हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका दानी डिज़ाइंस में। सो आज हम बनाएंगे खूबसूरत सा प्लेट्स और जॉइंट आइस वाला नेक डिज़ाइन बैंड के साथ। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। चलें बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने इस तरीके से ऐसे दो पीस ले लेने हैं, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देखने इस तरीके से ये हमारे लहदा लहदा से, ठीक है। आप एक साथ भी लेके बीच में से कटिंग कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। हमने इस तरीके से लहदा लहदा लिए हैं, एक हमारा चौड़ाई में ज़्यादा है और एक में कम है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें इस तरीके से, ये आपने डबल पीस ले लेने हैं। देन उसके बाद इन दोनों के बीच में जो से हमारा बीच में कट है उसमें हम जॉइंट डैस लगाएंगे, ठीक हो गया। जॉइंट डैस आपने कैसे लगानी है, जो से हमारी सीधी साइड होगी उसके ऊपर इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए उसके ऊपर रखेंगे और किनारे की सिलाई से इसको इसके साथ ऐसे अटैच कर लेंगे। ये अटैच करने के बाद जो हमारा दूसरा पीस होगा उसको भी सेम इसी तरीके से ये देख लें फ्रेंड्स, फोल्ड करते हुए जॉइंट डैश के ऊपर रखेंगे और किनारे की सिलाई से इसको भी इसे जॉइंट डैश के साथ ऐसे अटैच कर लेंगे, ठीक होगा फ्रेंड्स। ये देख लें इस तरीके से, ये हमारे बड़े वाले पीस हैं, ठीक है। इन दोनों की एक साइड पे हमने ऐसे जॉइंट डैश लगा लिए, ठीक हो गया। देन उसके बाद जो हमारे वो छोटे वाले पीस होंगे उनको भी इसी जॉइंट डैश के साथ जो दूसरी साइड के ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए रखेंगे और किनारे की सिलाई से इन दोनों को भी ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे, ठीक होगा फ्रेंड्स। ये देख लें इस तरीके से, ये फ्रेंड्स ये हमारा एक पीस ऐसे अटैच हो चुका है। देन उसके बाद हम ये दूसरा पीस लेंगे, इसको भी ऐसे फोल्ड करते हुए किनारे के साथ अटैच कर लेंगे, ठीक हो गया। ये फ्रेंड्स इस तरीके से अटैच करने के बाद देन उसके बाद हम पट्टी लेंगे, आप कोई भी पट्टी ले सकते हैं। ये हमने जो हमारी शर्ट है उसी के सेम फैब्रिक के साथ की पट्टी ली है, ठीक है। उसको हम इस तरीके से, हमारी डबल पट्टी है, ठीक है। इसको हम एक तरीके एक साइड से इस तरीके से आधे इंच का ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक हो गया। देन उसके बाद ये इसको सेंटर में से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक हो गया। हमने इसको ऐसे सिंगल पट्टी बनाना है, ठीक है। वैसे तो ये डबल पट्टी है, हम इसको सिंगल बनाएंगे, ठीक है। हमने इसकी एक साइड जो सी है वो आधा इंच ऐसे फोल्ड किया, दूसरी साइड ऐसे ही रहने दी है, ठीक हो गया। देन उसके बाद जो सी हमारी दूसरी साइड जो सी हमने ऐसे छोड़ दी है उसको ऐसे सेंटर में से कटिंग कर लेंगे और हमारी एक पट्टी के दबाव भी आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये इस तरीके से ऐसे फोल्डिंग भी हो जाएगी दोनों साइड से, ठीक हो गया। देन उसके बाद ये जो से हमने पीस आपस में जॉइंट डैश के साथ अटैच किए होंगे उनके ऊपर ऐसे हम प्लेट डाल देंगे, आधे आधे इंच का ऐसे दबाव देते हुए आपने ऐसे प्लेट डाल लेनी है, ठीक है। और जो से इस प्लेट्स का रुख होगा ये आपने जॉइंट डैश की तरफ करना है, ठीक हो गया। इसके ऊपर हम तीन प्लेट्स डालेंगे, आप चाहें तो आप चार भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें इस तरीके से, तीनों प्लेटें डालने के बाद हम इनको ऐसे सेंटर में से सिलाई लगा लेंगे, मीन्स के जो सा हमारा दबाव होगा उसको ऐसे सेंटर में से ऐसे पकड़ेंगे और बिल्कुल इसके सेंटर में जहाँ से हमने ऐसे प्रेस के साथ रीज बिठाई होगी उसके ऊपर आपने ऐसे प्रेस लगा लेनी है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये आपने दोनों पीसों के ऊपर तीन तीन प्लेट्स डाल के इनके सेंटर में ऐसे तीनों पट्टियों के बीच में सिलाई लगा लेनी है, ठीक हो गया। ये सिलाई लगाने के बाद देन उसके बाद हम इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे, ये देखने कितने अच्छे तरीके से हमारी ये प्लेट्स बैठ चुकी हैं, ठीक हो गया। देन उसके बाद हम इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें आपने बराबर करके ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है, ठीक है। देन उसके बाद हम शर्ट लेंगे, शर्ट को इसके ऊपर रखेंगे और शर्ट की जो से हमारी कटिंग है वो कर लेंगे। कटिंग मैंने पहले से करके रखी हुई है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। फिर भी मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बता देता हूँ, ये देख लें फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने जो से हमारी नीचे वाली पट्टी है वहाँ से हमने एक इंच का ऐसे तो बाउलिक का निशान लगाया, ठीक है। ये हमारे मेजरमेंट से बाहर आएगा, ठीक है। ये आपने लाजमी लगा लेना है, एक इंच का दबाव का लगाया और सात इंच का हमने ऐसे ऊपर से गले का गैप रखा है, ठीक हो गया। और जो हमारा लंबाई है वो हमारी 15 इंच आ जाएगी, ठीक है। ये देख लें इस तरीके से, लंबाई में आपने ऐसे 15 इंच पर निशान लगा लेना है, ठीक हो गया। देन उसके बाद हम इसके ऐसे मार्किंग कर लेंगे साइड से जो से हमने कटिंग की होगी। सबसे पहले आप शर्ट की कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि जो आपके नीचे वाला पीस होगा उसकी कटिंग करने में आपको आसानी होगी। ये देख लें फ्रेंड्स इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम ऊपर भी एक ऐसे निशान लगा लेंगे स्ट्रेट, ठीक है। देन उसके बाद जो उनसे हमने निशान लगाए होंगे उनके हम इस तरीके से ऐसे कटिंग कर लेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें इस तरीके से, ये फ्रेंड्स इस तरीके से कटिंग करने के बाद देन हम जो उनसे हमारा राइट वाला पीस होगा, जो उनसे हमारी राइट साइड वाला पीस होगा उसको हम इस तरीके से ऐसे उठाएंगे और उसके ऊपर जो उनसे हमने ये पट्टी से बनाई थी चेक वाली हम ये लगा लेंगे, ठीक है। ये आपने कैसे लगानी है कि कम से कम ऊपर से 3-1 इंच का आपने गैप छोड़ना है, ठीक है। देन उसके बाद जो उनसे नीचे
ऑल राउंड आपने ऐसे इस तरीके से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ठीक हो गया। अब साइड से कपड़े को फोल्ड करना मत भूलिएगा। ठीक है, फोल्ड करने के बाद ही इसके ऊपर ऐसे रख के किनारी की सिलाई से आपने इस पट्टी को ऐसे अटैच कर लेना दोनों साइड से। ठीक हो गया। ये राइट साइड पर लगाने के बाद हम लेफ्ट साइड वाली पट्टी लेंगे और इसके ऊपर जो हमारा ट्राउज़र का फैब्रिक होगा सादा फैब्रिक उसको हम लेंगे और उसकी पट्टी बना के उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक हो गया। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं। ये हमने एक इंच की पट्टी बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हम इस तरीके से ऐसे आधा इंच कैसे फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे प्रेस लगा लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। देन उसके बाद एक इंच कैसे दबाव लेते हुए ये देख लें, एक इंच की आपने पट्टी मेजर कर लेनी है। ऐसे एक इंच की पट्टी मेजर करने के बाद हम इसके ऊपर ऐसे प्रेस लगा लेंगे। ठीक है, और साइड से कम आधा आधा इंच कैसे दबाव का रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये देख लें इस तरीके से आधे आधे इंच का हमने दबाव रखते हुए इसके ऐसे कटिंग कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद ये जो समरा दबाव होगा इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये देख लो फ्रेंड्स, इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर हल्का सा शावर लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है, देन उसके बाद हम इसके ऊपर ऐसे प्रेस लगा लेंगे। ठीक हो गया। प्रेस लगाने के बाद हम जो हमारी लेफ्ट साइड वाली पट्टी होगी मीन्स के पीस होगा उसको हम इसको इसके बीच में ऐसे रखेंगे। ये देख लें, जितना हमने अंदर की तरह दबाव लिया उतना ही आपने ऐसे जो हमारा पीस है उसका हम ऐसे दबाव लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद इसके अंदर रखते हुए इसके ऊपर हम किनारी की सिलाई से इसको इसके साथ ऐसे अटैच कर लेंगे। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये देख लें, ये इस तरीके से आपने इसको ऐसे इसके साथ ऐसे अटैच कर लेना। ये फ्रेंड्स, अटैच करने के बाद इन पट्टियों को हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। जो से हमारी चेक वाली पट्टी है उसको हम ऐसे ऊपर रखेंगे राइट साइड वाली, और देन उसके बाद हम नीचे से इसके ऊपर ऐसे किनारे की सिलाई लगा के इन दोनों का ऐसे अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऊपर से आपने कम से कम 5-6 इंच का ऐसे गैप छोड़ना है और नीचे जो उनसे बकाया फाल पीस होगा उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक हो गया, ये देख लें इस तरीके से फ्रेंड्स। देन उसके बाद हम 3x3 इंच का इसके ऊपर हाला कटिंग करेंगे जो उनसे हमारा बैजन की कटिंग होगी। ठीक है, ये देख लें इस तरीके से 3x3 का हम निशान लगाते हुए ऐसे गुलाई में निशान लगा लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद इसकी ऐसे गुलाई में हम कटिंग कर लेंगे, ये हमारे बैन के ऊपर से कटिंग हो जाएगी। ठीक हो गया फ्रेंड्स, मैंने अपनी पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ बैन लगाने का तरीका, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये कटिंग करने के बाद जो जो उनसे हमारी साइड्स होंगी वी शेप में कटी हुई इसके ऊपर भी हम जॉइंट लेस लगा लेंगे। ये आपने ऐसे जो उनसे जॉइंट लेस है उसको इस पीस के ऊपर ऐसे उल्टा रखना है, और ये जो उनसे हमारी किनारियाँ होंगी उसके साथ साथ हम इसके ऐसे ऑल राउंड सिलाई लगाते हुए ऐसे वी शेप में इसके साथ ऐसे अटैच कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, इस तरीके से अटैच करने के बाद हम शर्ट लेंगे। ठीक है, उस शर्ट को इस पीस के साथ ऐसे अटैच कर लेंगे। ठीक हो गया, शर्ट को आपने नीचे सीधा रखना है और उसके ऊपर एक साइड जो से होगी हमारी लेफ्ट साइड वाली उसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ठीक है, और किनारी की सिलाई से इसको भी ऐसे इसके साथ अटैच कर लेंगे जो उनसे हमारे खाने बने होंगे उनके साथ सिलाई लगा के। ठीक है, ये देख लें फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने बिल्कुल खानों के साथ 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 ऐसे सिलाई लगानी है और ऑल राउंड अटैच कर लेना है। ठीक है, ये अटैच करने के बाद ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, एंड पे आपने इसका जो सा बैन है वो अटैच कर लेना है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, मैं आपको एंड पे इसका बैन अटैच करके ही इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, उसके मैं वीडियो नहीं बना रहा ताकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये देख लें, इस तरीके से अटैच करने के बाद हम इसे ऐसे मशीन से बैन निकाल लेंगे। ठीक है, बैन लगाने के बाद मैं ये इसकी फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।